मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य सुमेर शास्त्री, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको पत्नी वशीकरण बताने जा रहा हूँ। अगर तुम्हारी पत्नी रिसाई के उसके माँ बाप के घर चली गई है या अन्य थर्ड व्यक्ति के प्रेम में पड़ गई है और अब तुम्हारे को तुम्हारी संतान को छोड़ के चली गई है या फिर छोटे मोटे झगड़े होने के कारण उसके मायके चली गई है, या ऐसी कंडीशन में अपने पत्नी को राजी खुशी आपके घर कैसे लाना है, या थर्ड व्यक्ति के पास है तो दोनों को छुट्टा कैसे करवाना है, आपके प्रति मोहब्बत प्रेम फिर से पुनः कैसे जागृत हो और तुम्हारी पत्नी को यह महसूस हो जाए कि मेरा पति है, मेरी संतान है, मेरे को राजी खुशी मेरे पति के घर जाना है, तो ये प्रयोग काली चौदस रात्रि को ये प्रयोग कर लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, तुम्हारी पत्नी कहीं भी होगी, चाहे उसके माँ बाप के घर होगी, चाहे उसके प्रेमी के पास होगी, चाहे थर्ड व्यक्ति उसको वशीकरण कर रखा है, तो सब दुनिया को छोड़ के तुम्हारे पास आ जाएगी, तुम्हारे कहना मानेगी, तुम्हारे वश में हो जाएगी, तुम बोलो वैसा करेगी, लाइफ टाइम जिम्मेदारी लेगी, कभी भी तुम्हारा घर छोड़ के बाहर नहीं जाएगी और जैसे तुम बोलोगे वैसे ही करेगी और तुम्हारी दास बन के रहेगी। तो मित्रों ये प्रयोग काली चौदस रात्रि को कर लीजिए। आप बताई दोगे पंडित जी जो आपने प्रयोग बताया है, मेरी पत्नी राजी खुशी मेरे घर आ गई है, आने के बाद में उसका प्रेम देखना, क्योंकि ये पत्नी में प्रेम मोहब्बत जागृत करने का वशीकरण है। तो मित्रों सबसे पहले आपको ऐसे एक माता जी की चुंदड़ी लेना है। इस चुंदड़ी के ऊपर अपने पत्नी का 21 बार नाम लेके एक पीला फूल रख देना है और फिर 21 बार नाम लेके एक लाल फूल गुलाब का फूल रखना है। और फिर सेंट स्प्रे, जब हम पत्नी वशीकरण करते हैं तो स्प्रे का महत्वपूर्ण होता है, सेंट इत्र का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और अपने पत्नी का नाम लिख दीजिए और प्लस करके तुम्हारा नाम यानी उसके पति का नाम लिख दीजिए। अब इसको फोल्ड कर दीजिए, इसको फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद में लाल धागे से इसको गांठ मार दीजिए, लाल धागे से इसको गांठ मार दीजिए। गांठ मारने के बाद में एक पत्नी वशीकरण मंत्र बोल दीजिए। यह मंत्र इतना पावरफुल है, यह मंत्र करते ही तुम्हारी पत्नी को महसूस हो जाएगा मेरा पति है, मेरी संतान है, मेरे सास है, मेरे घरबार है। वो महसूस करेगी मैं कहाँ पे आ गई हूँ। पापा मम्मी के घर होगी तो पापा मम्मी को बोलेगी मेरे पति के घर जाऊंगी। अगर उसके बॉयफ्रेंड के पास होगी तो उनसे नफरत करेगी, झगड़ा करेगी। अगर उसके ऊपर ब्लैक मैजिक वशीकरण है तो भी इस मंत्र से ब्लैक मैजिक वशीकरण दूर हो जाएगा। और ये मंत्र मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो मंत्र है, ले नक्षत्र घनिष्ठा शनि दिन निकाय होई, मन बबुल को लाइए चेट कीजिए सोई, सिर डाले नर नारी को सो अपने वश में होई। अब सात बार पत्नी का नाम ले लीजिए, वश्यामी वश्यामी आज उन वश्यामी, उत्तम चेटक जानिए संशय न करे कोई, आजुन वश्यामी मम पत्नी आजुन वश्यामी, ओम बट ओम बट। अब सात बार वापस अपने पत्नी का नाम ले लीजिए। अब इसको रात्रि को जब ये प्रयोग होता है काली चौदस की, तो इतना करने के बाद में इसको अपने पत्नी के पहने हुए कपड़े, अलमारी तिजोरी कहीं भी पहने हुए कपड़ा होगा उसके अंदर लपेट के रख दीजिए। अगर उसके आपके पत्नी का कपड़ा नहीं है तो भी इसको खान की सीक्रेट जगह पर रख दीजिए और सुबह जल्दी इसको पानी में छोड़ दीजिए अपने पत्नी का 21 बार नाम लेके। मैं दावे के साथ कहता हूँ तुम्हारी पत्नी 7 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें फोन करेगी, गलती मांगेगी, माफी मांगेगी और कहीं भी होगी तो सामने से बोलेगी मैं आ रही हूँ और आने के बाद वापस कभी नहीं जाएगी। फिर से किसी भी थर्ड व्यक्ति के प्रेम में नहीं पड़ेगी, कभी झगड़ा नहीं करेगी, कोई भी व्यक्ति तुम्हारी पत्नी के सामने आंख आंख उठा के नहीं देखेगा। ये इतना तुम्हारी पत्नी का रक्षा कवच है और तुम्हारे प्रति प्रेम का चक्र है, तुम्हारे प्रति मोहब्बत का चक्र है। ये प्रयोग करके देखिए, बता दोगे पंडित जी रियल में आपने जो पत्नी वशीकरण बताया है मेरे को 100% लाभ हुआ है।